हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है, जो पहली न्यूज आई है, वो आई है गंगाग्राम प्रोजेक्ट को लेके। तो हम इसके बारे में जो न्यूज है वो भी देख लेते हैं। न्यूज देखो बेसिकली ये है कि अभी गंगाग्राम प्रोजेक्ट के तहत एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी। तो हम पहले जानते हैं कि गंगाग्राम प्रोजेक्ट वो है क्या। देखो, गंगाग्राम प्रोजेक्ट है, इसका मेन मोटो ये है कि गंगा रिवर जिन स्टेट से फ्लो करती है ना, जैसे ये मान लो कि गंगा रिवर ऐसे हिमालय से ओरिजिन होते हुए ऐसे ऐसे करते हुए फिर भी वो बंगाल में जाके गिरती है, तो इसके नियर बाय जो स्टेट हो गए, जिनमें होगा यूपी आ गया, मैनली बिहार आ गया, उत्तराखंड आ गया, इन जो स्टेट्स की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, देखो गंगा के आसपास के एरिया में काफी गंदगी फैली हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गंदा पानी है सीवरेज वगैरह का, वो सारा गंगा में ही बहा दिया जाता है, तो गंगा रिवर ज्यादा खराब और हो जाती है। और आपको पता है कि गंगा रिवर एक होलिस्टिक रिवर होने के अलावा भी इसके और आप कॉमर्शियल बेनिफिट भी कह सकते हो, या और भी तरह के बेनिफिट लोगों को मिलते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों की आजीविका वो गंगा रिवर पर निर्भर करती है, चाहे सिंचाई के तरीके से आप मान सकते हो, चाहे परिवहन के नजरिए से, या फिर चाहे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से। तो गंगा के काफी सारे बेनिफिट लोगों को होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट और सब लोग चाह रहे हैं कि वह गंगा को साफ किया जाए, और इसीलिए गंगा ग्राम प्रोजेक्ट हो चला गया। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि गंगा के आसपास के जो गांव है ना, उनको साफ सुथरा रखा जा सके। मतलब गंगा के आसपास में गांव में जो भी लोग रह रहे हैं, उन गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन है वो अहम जरूरी हो जाता है, कि गांव के लोगों को मिलके और फिर यहाँ पे काम करवाया जाए इस एरिया में, ताकि सफाई और सैनिटेशन फोकस है वो किया जा सके। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट है, इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों पे फोकस किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, और लिक्विड जैसे कि सीवरेज वगैरह हो गया, इन पे भी फोकस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही रिवर्स होगी, और जो छोटी रिवर्स होगी, पॉन्ड वगैरह हो गए, या फिर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, इनको प्रमोट किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर इसको प्रमोट किया जाएगा, और इसी के साथ ही मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रमोशन है वो रखा जाएगा, ताकि लोगों की आजीविका सिक्योर हो जाए, और वो एक्चुअली गंगा रिवर में जो भी नुकसान हो रहे हैं उनको कंट्रोल में कर सके। तो यह है गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। अब देखो, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट है वो एक अहम मिशन चलाया था गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है नमामि गंगा प्रोग्राम है। तो नमामि गंगा प्रोग्राम है, उसी के तहत बेसिकली चलाया गया था। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि नमामि गंगा प्रोग्राम है वो है क्या। देखो बेसिकली ये मिशन मोड एक तरीके का बड़ा मिशन है, इसमें फोकस यही रखा गया है कि गंगा रिवर है इसको साफ रखना है, इसको ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से और ज्यादा डेवलप है वो करना है। तो मेन फोकस क्या है, क्लीनिंग गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर को क्लीन है, साफ है, वो रखना है। अब इसके लिए देखो बहुत सारे तरीके हैं वो यूज कर जाएंगे। एक तो लोकल जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि कचरा कहाँ से किस टाइम डाला जाता है, तो उनकी हेल्प से काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली गंगा रिवर का जो बेसिन है वो 5 स्टेट में आता है। हम बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो इन 5 स्टेट के जो भी लोग हैं गंगा रिवर के आसपास के, उनका पार्टिसिपेशन लेके गंगा को साफ सुथरा रखने पे ध्यान है वो दिया जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे देखो फिर प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे कि गंगा रिवर है उसकी सरफेस को क्लीन किया जाएगा, सीवरेज ट्रीटमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप किया जाएगा, और जो रिवर फ्रंट प्रोग्राम है उसको डेवलप किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसके साथ ही एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने की तरफ भी ध्यान है वो दिया जाएगा। और अहम काम क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। जब तक लोगों को अंदर खुद के अंदर भावना नहीं है कि भाई हाँ हमें गंगा को क्लीन करना है, साफ रखना है, तब तक गवर्नमेंट चाहे कितने भी मिशन चला ले कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मतलब अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके साथ चलाए गए हैं। अब हम बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, और इसके साथ ही स्टेट की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, वो मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, तभी अच्छा काम है वो हो पाएगा। देखो सेंट्रल गोल लेवल पे क्या होगा, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये क्या काम करेगा, यहाँ पे जो भी पॉलिसी है वो सब प्रोवाइड करेगा, फंड वगैरह। इसके साथ ही स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप है वो काम करेगा कि स्टेट का जो भी प्रोग्राम है उसके तहत कार्यक्रम रखे जाएंगे वहां पे, और गंगा को साफ करने के लिए लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट तरीके से किया जाएगा। तो ये थी पूरी नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में न्यूज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन को लेके। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज क्या ही है। न्यूज देखो ये आई है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के अंदर इलेक्शन हुए थे, और उसके तहत इंडिया को फिर से एक मेंबर है उसके तौर पर चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया है वो दोबारा से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का काउंसिल का मेंबर बना है, 4 साल के लिए। बेसिकली कार्य टाइम पीरियड है 2019 से लेके 22 तक।
वैसे बात करें तो इंडिया काफी पहले से इसका मेंबर है, वो रहा हुआ है, मतलब ऐसी बात नहीं कि पहली बार मेंबर बना है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का पहली बार मेंबर नहीं बना है, इससे पहले भी इंडिया काफी बार मेंबर रहा है, तो वो एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है क्या। देखो सबसे पहला फैक्ट इसका ये है कि यूएन की एक एजेंसी है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि यूएन की एक एजेंसी है ये। और अहम बात क्या होती है, इसका काम क्या है, इसका काम है वो है टेली कम्युनिकेशन जो ऑपरेशन होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और जो भी सर्विसेज होती हैं इनके लेके समन्वय आयोजित करवाना लोगों के बीच में, और जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उनको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो किया जा सके। तो ये बेसिकली इसका काम है। बेसिकली इसको 1865 में बनाया गया था और इसका स्टार्टिंग में नाम था वो था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। तो ये ध्यान रखना है कि 1865 में इसको बनाया गया था, और उसके बाद जब यूएन बना तो यूएन के साथ ये मर्ज हो गया, और उसके बाद ये यूएन की एक बॉडी है वो बन गई। तो एक तरीके से हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल मतलब कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की सबसे पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईयूटी है वो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी तक जिंदा है। इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें हम वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये फैक्ट भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसके कौन कौन से एरियाज में काम किए जाते हैं। देखो बेसिकली तीन सेक्टर हैं जहाँ पे ये काम है वो करता है। कौन कौन से सेक्टर हैं, एक तो रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब जो काम क्या करता है कि रेडियो जो कम्युनिकेशन हो गए जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम वगैरह हो गया इनसे संबंधित जो भी इसका यूज है फेयर एंड रेसिशनल यूज होगी इसके ऊपर फोकस किया जाता है, और अदर कंट्रीज की पॉलिसी वगैरह में किस तरीके से उनको स्टैंडर्ड्स वगैरह रखने हैं उन पर काम है वो करता है। दूसरा काम इसका क्या है, टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने हैं, गाइडलाइंस वगैरह बनानी है, रिकमेंडेशन वगैरह है, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी ऑपरेशन हो गए टेली कम्युनिकेशन से संबंधित। तीसरा काम क्या होगा, टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मतलब जो कंट्रीज हैं जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, और इसी के साथ ही उनको मेंटेन वगैरह मेंटेनेंस वगैरह पे फोकस है वो करवाना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। देखो जैसे आपको पता है कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है या फिर जो भी हमें वॉइस कॉल प्रोवाइड करवाती है जैसे एयरटेल हो गई कोई भी कंपनी ले लो, तो इनको क्या कि स्पेक्ट्रम मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो स्पेक्ट्रम के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो सारे आईयूटी के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, और वही फिर कंट्रीज उनको इम्प्लीमेंट है वो करती है। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मेंबर केवल वही बन सकते हैं जो कि यूएन के मेंबर होते हैं। तो ये फैक्ट आप में ध्यान रखना है कि ओनली यूएन के जो मेंबर्स हैं वही आईटीयू के मेंबर बन सकते हैं वोटिंग के तहत। और एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप वगैरह है वो भी इसके मेंबर बन सकती है, बट उनके पास वोटिंग वगैरह की कोई राइट है वो नहीं होते हैं डिसीजन वगैरह लेने के, केवल बस वो मेंबर बन सकते हैं एक तरीके से। जैसे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ जैसे टाटा का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इसका मेंबर बन सकता है नो डाउट, मतलब प्राइवेट और इंडिविजुअल स्टेक होल्डर इसके मेंबर बन सकते हैं बट उनके पास वोटिंग और डिसीजन राइट वगैरह नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी यूएनपीए के बारे में। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी दीपावली के शुभ अवसर पर एक्चुअली एक स्पेशल स्टाम्प है दीपक के बारे में, दीवा के बारे में वो बेसिकली भी लॉन्च है वो किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडिया का जो होली फेस्टिवल हो गया हिंदू फेस्टिवल की हम बात करें उसके उपलक्ष्य में बेसिकली दियाज की लैम्प का एक जो पोस्टल स्टाम्प है वो रिलीज किया है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि यूएनपी है क्या। देखो एक पोस्टल एजेंसी है यूएन की, यूएन के अंदर जो भी स्टाम्प वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, इसके साथ ही पोस्टल जो स्टेशनरी होगी वो सारी इसी के द्वारा डेवलप है वो की जाती है। और बेसिकली हम बात करें तो डॉलर के अंदर ये जो भी स्टाम्प वगैरह है वो रिलीज है वो किए जाते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली जिनेवा के अंदर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, बस कंटेक्स्ट था तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है होप आइलैंड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम होप आइलैंड की लोकेशन है वो देखते हैं। देखो होप आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के एरिया में, काकेनाडा रिवर है उसके कुछ अंदर, मतलब बाहर बे ऑफ बंगाल के एरिया के अंदर है, कुछ इस तरीके की इसकी शेप है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे काकेनाडा रिवर आ जाती है और ये उसका काकेनाडा रिवर का बेसिन वाला एरिया है, और इस वाले एरिया के थोड़ा बे ऑफ बंगाल के अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये होप आइलैंड है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी यहाँ पे ग्रेटर जो फ्लेमिंगोज है वो यहाँ पे देखे गए हैं जो कि काफी टाइम बाद, मतलब लगभग 25-30 साल बाद दोबारा यहाँ पे देखे गए हैं। इससे
पहले तक ये नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे, तो उसको लेके न्यूज है। वो आई तो यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली ग्रेट फ्लेमिंगोज है वो यहाँ पे देखे जाते हैं या नॉर्मली यहाँ पे पाए जाते वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है। थोड़ा हम होप आइलैंड के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो साउथ एशिया की हम बात करें, सॉरी साउथ इंडिया की, या फिर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ की मेन रिवर कौन सी है? गोदावरी। और गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है उसका एक ट्रिब्यूटरी का नाम है काकेनाडा रिवर। तो काकेनाडा रिवर यहीं पे फ्लो करती है और वो बेओ बंगाल में गिर रही है, और उसी के कोस्ट पे बेसिकली होप आइलैंड का निर्माण है वो हुआ हुआ है। जिसको काकेनाडा रिवर है वो क्या करती है, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर भाग के लाती है, उनके जो अवसाद या जो बचा हुआ कचरा है उससे जमा होने से बेसिकली होप आइलैंड का निर्माण है वो हुआ है। तो लगभग ये 18वीं सेंचुरी के अंदर बना था। जो भी काकिनाडा रिवर के जो सेडिमेंट्स वगैरह थे, जो भी वो अवशेष लेके आई थी, उनके जमा होने से बेसिकली 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे होप आइलैंड का निर्माण है वो हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी सबसे लेटेस्ट आइलैंड है जो कि अवसाद के तौर पे जमा हुआ है। और ये ध्यान रखना है कि काकिनाडा रिवर है वो बेसिकली गोदावरी की एक सहायक है या ट्रिब्यूटरी है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो ये जो काकी जो यहाँ पे होप आइलैंड का जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर वाला, इस हिस्से को बेसिकली गोदावरी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ दो चार फैक्ट्स थे, बाकी कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे है नहीं। ये है बेसिकली ग्रेटर फ्लेमिंगोज, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। देखो कंटेक्स्ट ही है कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने अभी एक चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप, उसके साथ अभी एक एमओयू है वो साइन की है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में भूखमरी है, इसको आपको बताया कि 2030 तक खत्म करना है, तो उससे निपटने के लिए जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा वो बेसिकली अलीबाबा ग्रुप है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो देखो एक तो ये फैक्ट ज्यादा छोटा सा यहाँ पे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो यूएन का है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया है, तो वो ऑब्वियसली यूएन के साथ लिंक हो गया। ये तो हमें छोटा सा फैक्ट पता चल गया। देखो अभी एमओयू साइन किया गया, उसका बेनिफिट क्या होगा? देखो आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं इनमें एक अहम टारगेट कौन सा है? भूखमरी से निपटना। और भूखमरी से निपटना, तो देखो एक हमारे पास अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि कौन से स्टेट में या कौन सी कंट्रीज में कितनी भूखमरी है और वहाँ पे किस किस लेवल पे कौन कौन से प्रोग्रामों की जरूरत है, क्योंकि देखो हर एरिया के अंदर उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग प्लान है वो चलाए जाते हैं, जैसी उनकी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है और फिर भूखमरी से निपटा जाता है। और इसीलिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिएगा, सारा काम अगर डिजिटल रखना है तो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिकली अलीबाबा कंपनी है वो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाएगी। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है WFP के जो भी ऑपरेशन है उनके लिए वो बेसिकली अलीबाबा ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड है वो करवाए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड हंगर मैप है वो डेवलप किया जाएगा, ताकि कहाँ पे भूखमरी ज्यादा है, कौन कौन से प्रोग्राम कहाँ चलाने हैं वो फोकस किया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट में भूखमरी हो गया अहम टारगेट, उसको भी यहाँ पे फोकस है वो किया जा रहा है। अब हम बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो देखो यह वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड एसोसिएशन ब्रांच है, मतलब फूड एसोसिएशन ब्रांच है सॉरी, मतलब लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। देखो हमारे देश में बात करें फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, इवन जो लोग माल न्यूट्रिशन से भी पीड़ित हैं वो भी भूखमरी के एरिया में काउंट यहाँ पे किए जा रहे हैं एक बार। तो ये ध्यान में रखना है कि लोगों को फूड है वो प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली प्रोग्राम चलाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और एक तरह का वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि भूखमरी से निपटने के लिए काम है वो करती है, मतलब मानवता के लिए काम है वो कर रही है। मेन मोटो क्या है? फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करनी है, इसी के साथ ही माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इसको भी एड्रेस है वो करती है। अब देखो अहम बात ये एक और कि वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसको फंडिंग कहाँ से आती है? तो देखो एक तो इसको इंडिविजुअल फंडिंग कोई भी प्रोवाइड करवाता है, या फिर कंट्रीज हैं वो भी इसको डोनेशन के तहत फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाती हैं, वॉलेंट्री डोनेशन इसको मिलता है, वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं, अदर जो कॉरपोरेशन हो गए, प्राइवेट हो गए और इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं वो भी इसको बेसिकली फंडिंग है, डोनेशन है वो देते हैं, तो वहां से इसका काम है वो चल रहा है। अब अहम बात हम करें, देखो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका काम केवल खाने तक ही सीमित नहीं है, जो कॉम्बैक डिजीज है उनके ऊपर भी फोकस करती है, संक्रामक डिजीज होगी वो, इसके साथ ही माल न्यूट्रिशन हो गया और मेटरनल हेल्थ है उस पर फोकस किया जाता है, इसके साथ ही HIV और एड्स जैसी गंभीर समस्याएं हैं इनके लिए भी बेसिकली ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो यह ध्यान रखना है कि ओनली फॉर फूड के लिए काम नहीं है, इसके साथ भी कुछ और काम है वो किए जा रहे हैं। तो ये तो थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बात थोड़ा हम जल्दी से आज जो भी है रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने गंगा ग्राम प्रोजेक्ट के बारे में जाना, इसी के साथ ही हमने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जाना कि बेसिकली 5 स्टेट के अंदर जब गंगा रिवर फ्लो करती है
तो उसको क्लीन रखने के लिए प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में जाना कि इंडिया इसका मेंबर बन इलेक्ट हुआ दोबारा से, और इसका कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सनस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके मेंबर बन सकती हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना कि उन्होंने भी दीपावली के शुभ अवसर पर दियाज की जो एक लैम्प है उसको लेके पोस्टल स्टाम्प है वो रिलीज किए। इसके साथ ही हमने यहाँ पे होप आइलैंड के बारे में जाना और जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं उनके बारे में जाना कि उनका आवास कहाँ पे है, और गोदावरी रिवर के बारे में जाना, और इसी के साथ ही हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जाना कि उन्होंने अभी MOU साइन किया है अलीबाबा ग्रुप के साथ। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।